हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं या आप कुछ सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटक्रॉप पैटर्न एंड वी रूल्स। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर जियोलॉजी टेस्ट सीरीज़ 1 में भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब किए थे और उनको एक्सप्लेन भी किया था। तो आज अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटक्रॉप पैटर्न एंड वी रोल। सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि मैप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोलॉजिकल मैप। तो जियोलॉजिकल मैप वो मीडियम है या कम्युनिकेशन का तरीका है जो कि ग्राफिक सिंबल्स के साथ शो किया जाता है किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर विद ए डेफिनेट स्केल। ओके, तो उसको हम जियोलॉजिकल मैप कहते हैं। कंटूर्स आप सब लोग बीएससी की क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज़ कंटूर? कंटूर्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सेम एलिवेशन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। कंटूर खाली एलिवेशन के ही केस में नहीं, हम दूसरे डायग्राम में भी इनको यूज़ करते हैं। तो कंटूर यहाँ पर एलिवेशन को इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैप की बात कर रहे हैं। अगर सपोज दैट हम लोग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो वहाँ पर भी कंटूरिंग होता है। तो वहाँ पर कंटूर क्या करता है, सेम एटीट्यूड और सेम डिप वाले पोर्सन को कनेक्ट करती हैं, तो उनको भी हम कंटूर कह सकते हैं। तो बेसिकली हम ब्रॉडली इसको कह सकते हैं कि कंटूर्स वो इमेजरी लाइंस हैं जो कि सेम अमाउंट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के थोड़े रूल्स ऑफ कंटूर्स को भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं। तो फर्स्ट रूल है कि कंटूर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करती है और डिवाइड नहीं करती हैं। और दूसरा रूल है कि कंटूर्स के बेस पे, बेस ऑन द स्पेसिंग, हम लोग बता सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में कि वेदर द ग्रेडियंट इज़ द हाई और लो। जैसे कि अगर हमारी क्लोज कंटूर मिलती हैं तो ये हमें हमेशा स्टीपर टेरेन को शो करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंटूर का जो डिफरेंस है, स्पेसिंग है, वो बहुत पास पास है, तो इट विल रिप्रेजेंट द हाई स्लोप। और अगर आप यहाँ पर देखें तो कंटूर बहुत दूर दूर हैं तो ये आपके जेंटल स्लोप को शो करेगा। ओके, और एलिवेशन डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आपका एलिवेशन जो है वो हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि दिस इज़ ए एलिवेटेड रीजन। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हाई होगा और यहाँ पर लो होगा, तो ये आपका डिप्रेशन भी जनरेट हम कंटूर के बेस पे बता सकते हैं। देन वी रूल। वी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे हम लोग डिपिंग डायरेक्शन का अंदाज़ा मैप देख के ही लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये एक टोपोग्राफी लेते हैं, तो टोपोग्राफी में मैंने माना कि इस एलिवेटेड रीजन का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर 500 मीटर का एलिवेशन है। ओके, यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट माना जिसका भी 500 मीटर का एलिवेशन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कंटूर यहाँ पर प्लॉट कीजिए इस डायग्राम के ऊपर, तो कंटूर कुछ हमारा इस तरीके से प्लॉट होगा इस डायरेक्शन से, और यहाँ से हमारी ये रिवर फ्लो कर रही है टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो क्योंकि रिवर ये हमारी अपस्ट्रीम डायरेक्शन हो गई और ये हमारी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, तो रिवर हमेशा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ फ्लो करती है। तो अगर हमें कंटूर प्लॉट करना होगा तो हम इसको डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं खींच सकते हैं लाइन को, हमें क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर तो वैली है और वैली में एलिवेशन हमेशा डाउन रहेगा, तो कंटूर इस तरीके से नहीं जाएगा, ये टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम डायरेक्शन जाएगा। अपस्ट्रीम में ही 500 मीटर का एलिवेशन आपको मिल पाएगा विद रिस्पेक्ट टू द बैंक्स। ओके, तो आपका जो कंटूर का वी बनेगा वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, दिस इज़ कंटूर वी, जैसे कि आप लोग यहाँ मैप व्यू में भी देख सकते हैं, ये कंटूर वी है। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा जियोलॉजी डाल देते हैं। सपोज दैट कि हमारा कोई भी स्ट्रेटा टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन डिप कर रहा है, जैसे कि ये एक बेड है, इस बेड को हमने ले लिया, यही सिलोक में जो है वो टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम डिप कर रहा है, तो इसके ऊपर एक और बेड होगा, फिर इसके ऊपर एक और बेड होगा, इसके ऊपर एक और बेड होगा, और ये ओवर लेइंग बेड्स जो है वो डाउन लेइंग बेड्स के ऊपर एक लोड और एक प्रेशर भी एक्ट करेंगे। तो जब रिवर इनको कटेड करेगी तो ऊपर से तो ईजिली कट कर देगी, क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये ऊपर से तो ब्रॉड हो जाएगा, बट जैसे जैसे वो नीचे लोअर एलिवेशन में जाएगी ये नैरो होता चला जाएगा। तो जो बेड्स का वी है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो बेड्स का वी और कंटूर का वी दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ओके, तो दोनों जब एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो हम इसमें कह सकते हैं कि आपका बेड्स जो है वो टूवर्ड्स द डाउन डिपिंग डायरेक्शन है।
ओके अगर इस तरह का फीचर्स आपको मैप के ऊपर दिखता है, कैसे बना ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये जैसे कि हम लोगों ने बीएससी में मैप भी किए हैं, तो बीएससी में हम ऐसे ही करते थे ना, जैसे ये वी नोच होती थी तो वी टिप से ओपन पोर्शन की तरफ हम फ्लोइंग डायरेक्शन लगाते थे। ओके उसका रीज़न क्या था, ये मैंने यहाँ पर एलिवेशन पॉइंट्स को लेकर समझाया। तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम डिपिंग बेड्स स्ट्रेटा की कंडीशन है। अब हम लोग वर्टिकल डिपिंग बेड्स की बात करते हैं, तो अगर वर्टिकली डिपिंग बेड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, कंटूर्स को हाई एंगल पे कट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ मैप व्यू में भी देख सकते हैं, हाई एंगल के ऊपर कट करेंगे। ओके और अगर मैं इसमें रिवर की डायरेक्शन को मार्क करूँ तो मैं रिवर की डायरेक्शन को, फ्लोइंग डायरेक्शन को ऐसे ही मार्क कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमारी नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारी अपस्ट्रीम डायरेक्शन की। तो अगर हमारे स्ट्रेटा अपस्ट्रीम की तरफ डिप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है, तो जो लो हम लोगों ने डाउनस्ट्रीम में लगाया था वही हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो क्या करेगी, रिवर ऊपर तो ब्रॉड कर देगी और इस डायरेक्शन में नैरो कर देगी, क्योंकि डिपिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन है, इसकी इस तरफ है आपका डिपिंग डायरेक्शन, तो इधर की तरफ लोड बढ़ता चला जाएगा। ओके तो जो बेड का वी होगा वो कंटूर के वी से कोइंसाइड करेगा और उसके साथ एक एंगल डेवलप करेगा, जैसे कि आप यहाँ मैप व्यू में भी आप देख सकते हैं, ये आपका रिवर फ्लोइंग डायरेक्शन है। तो ये कंटूर है और ये जो डार्क बैंड है ये आपका बेड है। तो बेड्स का वी और कंटूर का वी जो है वो थोड़ा सा एंगल भी यहाँ पर डेवलप कर रहा है। सो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, अपस्ट्रीम डायरेक्शन आपका डीपिंग होगा बेड्स का, तो ये वो शो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बेड्स की। तो हॉरिजॉन्टल बेड के केस में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी कंटूर्स होंगी दे विल बी पैरेलल टू द बेड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो वहाँ पे बेड्स होंगी और कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, ना ही स्टीप एंगल बनाएगी ना ही लो एंगल बनाएगी, हमेशा बेड्स को फॉलो करेंगी, आप इस मैप में भी देख सकते हैं। सो इस केस में और रिवर की फ्लोइंग डायरेक्शन लगाएंगे तो आपकी दिस इज़ योर रिवर फ्लो डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, आपका आपके बेड्स जो है वो कंटूर को फॉलो अप करेंगे, पैरेलल रहेंगे। ओके इसके अलावा तो यही कंडीशंस मैंने यहाँ पे नोटेड किया है और बताया है कि कैसे वी रूल्स जो है वो डेवलप होता है। तो बेसिकली मैं इन सब को डायग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं और आप इससे जो है अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है इसको दिखा रहा हूँ। ओके देन नेक्स्ट इसको भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका मैप का पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट हो, बट द वी पैटर्न आउटलाइन बाय द जियोलॉजिकल बाउंड्रीज इन द वैली फ्लोर कंसिस्टिंग पॉइंट्स टूवर्ड द डाउन डिप स्लोप डायरेक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल बेड्स, द यूज ऑफ द वी कर्व आउटलाइनिंग द लिथोलॉजिकल बाउंड्रीज वेयर ट्रांसेक्टेड बाय ड्रेनेज पैटर्न टू एस्टिमेट द डिप डायरेक्शन ऑफ द रॉक कॉन्टैक्ट इज नोन एज द वी रूल। ओके वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो चलिए अब हम लोग एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें अदर सिचुएशन भी दी गई है। अभी हम लोगों ने वर्टिकल बेड्स को देखा, अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बेड्स को देखा, डाउन डीपिंग बेड्स को देखा, अपस्ट्रीम बेड्स को देखा। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं, जैसे कि आपका अपस्ट्रीम बेड्स को हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल बेड्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर बेड्स हमारे जेंटली डाउनस्ट्रीम जो है वो डिप करें, डाउनस्ट्रीम अगर हमारे जेंटली डिप करेंगे तो अगर मैं इसमें फ्लोइंग डायरेक्शन लगाता हूँ तो ये क्या करेंगे, आपके लो एंगल पे कंटूर को कट करेंगे और इट्स अपीयर्स दैट दिस फॉलोइंग द बेड्स, रिवर ऐसा होगा, ऐसा अपीयर करेगा कि रिवर जो है वो आपके बेड्स को फॉलो कर रही है और वी पॉइंट्स जो है अपस्ट्रीम शार्पर देन द कंटूर। देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपका अगर मैप के ऊपर देखें यहाँ पर आपका जो बेड्स है वो आपके शार्प होंगे कंपेरेटिवली कंटूर्स के, अगर जेंटली डाउनस्ट्रीम को डिप कर रहा है। और अगर बेड्स डिप कर रहे हैं डिप विद स्ट्रीम ग्रेडियंट, ओके तो अगर स्ट्रीम के ग्रेडियंट के साथ ही वो, मतलब एंगल ऑफ द बेड एंड ग्रेडियंट दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, ये क्रॉस कटेड क्रॉस सेक्शंस दिखाएंगे ऐसे हाई एंगल पे पैरेलल टू द बैंक्स के पैरेलल शो दिखाएंगे और कोई भी वी शेप डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो स्टीपली डिप कर रहा है तो वी पॉइंट्स टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम, ये हम लोग ब्लॉक डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, बेड वर्टिकल होगा तो हाई एंगल पे आपका कट करेगा कंटूर को और कोई भी वी शेप डेवलप नहीं होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वी रूल अभी आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अभी इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डिप स्ट्राइक और आपके अदर मैप नोटेशंस को। तो बेसिकली डिप क्या है, डिप इज़ द इंक्लाइनेशन, डिप क्या है, इंक्लाइनेशन है जो कि हम मेजर करते हैं एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लेयर इट्सेल्फ, वो आपका डिप कहलाता है। और अगर हम लोग स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक इज़ एन इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन
दैट इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्टेरेटा एंड मेजर्ड इन वर्टिकल सेक्शन दैट इज नोन एज द स्ट्राइक। और अगर हम लोग ट्रू डिप की बात करें तो ट्रू डिप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द स्ट्राइक लाइन, वो आपकी ट्रू डिप कहलाती है। अपेरेंट डिप हमेशा हमेशा दिस इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू डिप, हमेशा ट्रू डिप से लेस देन रहेगी, और अदर देन द ट्रू डिप दैट इज नोन एज द अपेरेंट डिप। ओके, अब हम यहाँ पर प्लंज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लंज हमेशा क्या होता है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लिनिएशन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है द टर्म प्लंज इज यूजुअली रिफर्ड फॉर द एंगल बिटवीन लाइन, यहाँ पर याद रखिएगा हम यहाँ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइंस एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेयर एज द टर्म डीप इज प्रीफर्ड टू द इंडिकेट द इंक्लाइनेशन ऑफ द लेयर। यहाँ पर प्लेनर फीचर यूज होती है डिप इंक्लाइनेशन में, और प्लंज में आपकी लीनियर फीचर इस्तेमाल होती है। ओके, इसको हम शो कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक सिंबल है, तो इसमें जो ये आपकी लॉन्गेस्ट लाइन है दैट इज नोन एज स्ट्राइक। ओके, और ये शॉर्टेस्ट छोटा सा जो टिक लगा है दिस इज डिप डायरेक्शन एंड दिस नंबर इज द डिप एंगल, क्योंकि डिप एंगल को हम कभी भी मैप के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, मैप के ऊपर हमेशा हम लोग स्ट्राइक को ही प्लॉट करते हैं। ओके, अगर हम लोगों को वर्टिकल बेड दिखाना है तो वर्टिकल बेड के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर इस तरह का सिंबल जो है वो क्रॉस कट दिखा देते हैं, या देन अगर हॉरिजॉन्टल बेड दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल बेड के लिए प्लस का निशान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अब लोग हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं आपके गेट के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ट्रू डीप एंड अपेरेंट डीप ऑफ द स्टेरेटा, मान लीजिए कि ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में ये एक हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये जो व्यू हम लोग देख रहे हैं ये सामने वाला व्यू है। ओके, तो जो हमारा बेड्स हैं ये जो लाइन दिख रही है आपको, दीज आर द बेड्स एंड डिपिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर अल्फा एंगल जो है आपका दिस इज ट्रू डीप, और आपका जो बीटा एंगल है बीटा इज़ द अपेरेंट डिप, और डेल क्या है एंगल बिटवीन स्ट्राइक ऑफ द स्टेरेटा एंड द सेक्शन, ठीक है ना, ये आपका स्ट्राइक के बीच का एंगल जो भी स्टेरेटा की स्ट्राइक रहेगी और सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये सामने वाला, इसके बीच और स्ट्राइक के बीच जो भी एंगल बनेगा वो आपका डेल एंगल कहलाएगा। ओके, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को शो करें तो हम इस एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं टेन बीटा इज कल टू टेन अल्फा इंटू साइन डेल, ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत बार आप लोगों से अपेरेंट डिप कैलकुलेट कराने को कहा जाता है, और ये आप लोगों ने अपनी एमएससी और बीएससी क्लासेस में भी किया होगा, जस्ट मैं यहाँ पर आपका रिफ्रेश कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को। ओके, देन ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप थिकनेस ऑफ द स्टेरेटा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो मैं अभी कुछ कंडीशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये यूज़फुल होगा। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि ये एक बेड है और ये बेड किसी एंगल पर डिप कर रहा है, ये आपका एंगल है अल्फा, और इसका जो एक्सप्रेशन है जो थिकनेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर दैट इज़ डब्लू। तो इस केस में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कोई बेड आपका 30 डिग्री एंगल पे डिप कर रहा है और उसका जो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसका थिकनेस हमें 20 डिग्री मिल रहा है। ओके, तो उसका ट्रू थिकनेस निकालिए, तो दिस इज ट्रू थिकनेस परपेंडिकुलर दिस इज डिनोटेड बाय टी, तो आप लोग उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, किस केस में, अगर आपका जो थिकनेस दिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो दिस इज टी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, इसमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली ये 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है। अगर आप यहाँ पर भी देखें ये ट्रू थिकनेस हमको निकालना है, ये लाइन हमारे पास नॉन है डब्ल्यू, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इस लाइन को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो सिंपल साइन अल्फा का हम ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप लगाएंगे, वी कैन कैलकुलेट इट। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि अगर हमारा कोई बेड दिया हो और उसकी थिकनेस दी हो किसी सरफेस के ऊपर जिसका कोई एंगल भी हमारे पास नॉन हो, दैट इज डिनोटेड बाय वाई, तो ये एंगल हमें वाई एंगल दिया है इस प्लेन का। ओके, इस प्लेन के ऊपर ये हमारा कोई बेड है जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो इसका थिकनेस हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर दिया है और इसका ट्रू थिकनेस हमें निकालना है। ओके, और इसका इंक्लाइनेशन दिया है वाई, तो इसको हम निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन वाई। ओके, जहाँ पर आपका जो वाई है दिस इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइनेशन स्लोप, कोई भी प्लेन है उसका इंक्लाइनेशन है, तो हम यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और है जो थर्ड कंडीशन हमारी बनती है, वो कंडीशन है ट्रू थिकनेस ऑफ इंक्लाइन लेयर कट पैरेलल टू देयर स्ट्राइक बाय इंक्लाइन वॉल्स। ओके, ये हमारा एक सेक्शन दिया है, इसमें ये एक बेड है
जो कि इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसका थिकनेस W हमें दिया गया है और द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ दिस स्ट्रेटा इज़ अल्फ़ा। तो हमें इसका ट्रू थिकनेस निकालना है। तो बीटा एंगल हमें दिया है जो वाई से डिनोट किया गया, वाई एंगल इज़ द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन वाई माइनस अल्फ़ा। ओके, तो हम इसकी ट्रू थिकनेस को निकाल सकते हैं। इसी केस में अगर हमें ड्रिल होल में ट्रू थिकनेस निकालना है बैडिंग का, तो ड्रिल होल में ट्रू थिकनेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल ड्रिल होल दिया है और उसमें ट्रू थिकनेस हमें टी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो टी वी क्या है आपका, वर्टिकल थिकनेस ऑफ द लेयर, एंड द लेयर का जो डिप डायरेक्शन है दैट इज़ अल्फ़ा। तो हम उसको डायरेक्ट इस रिलेशनशिप टी इज़ इक्वल टू टी वी कोस अल्फ़ा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप लोग ये सब क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखिएगा। वैसे मैंने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के टेस्ट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और आगे भी करता रहूँगा, उनको हम सोल्व करेंगे, तो वो यही सारी रिलेशनशिप हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और अगर आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं या सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ और जल्द ही आप लोगों से फिर से मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।